वाहन के स्पेयर पार्ट्स खरीदने के लिए सिवनी से नागपुर के अग्रसेन चौक आए एक व्यक्ति को चाकू की नोक पर लूटने वाले तीन वाहन सवार आरोपियों को जब तहसील पुलिस ने गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की तो 1,00,000 रुपए की कीमत के चोरी किए गए 7 मोबाइल फोन भी उनसे बरामद हुए, जबकि उनसे चोरी की 2 अन्य वारदातों के अंजाम दिए जाने का भी खुलासा हुआ। इनके साथ एक नाबालिग किशोर भी पुलिस के हाथों लगा है, जो कि इनका बराबर का साथीदार रहा। जानकारी के मुताबिक सिवनी के रहने वाले शिकायतकर्ता सुनील झारिया ने तहसील पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि जब वे अग्रसेन चौक पर वाहन के स्पेयर पार्ट्स खरीदने के लिए आए थे, तब 3 अज्ञात युवक काले रंग की मोपेड पर सवार होकर आए और चाकू की नोक पर शिकायतकर्ता से उनका 10,000 रुपए का मोबाइल फोन और जेब में रखे 5,000 रुपए छीन ले गए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने घटनास्थल के CCTV फुटेज खंगाले, जहां से पुलिस को आरोपियों का सुराग मिला। पुलिस ने आरोपियों का पीछा कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में रिकॉर्ड पैक आरोपी अनवर अंसारी, राजेश लक्ष्मी नारायण कुशवाहा जो कि मध्य प्रदेश का निवासी है और अनवर की तरह ही एक रिकॉर्ड पैक आरोपी भी है। इन दोनों ही आरोपियों के साथ मामले में एक नाबालिग किशोर भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से इस मामले के 3,000 रुपए जब्त कर लिए हैं। इसके साथ ही मोबाइल एवं इस्तेमाल किए गए वाहन को भी पुलिस ने आरोपियों से जब्त किया है। छानबीन में पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 अलग अलग मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कुल कीमत 1,25,000 रुपए है। जो कहां से चुराए गए हैं और किसके हैं, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। इसी के साथ ही आरोपियों पर चोरी के 2 और मामलों का खुलासा हुआ है। फिलहाल इस मामले में पुलिस अधिक जाँच कर रही है। दिनांक 7/7/2023 रोजी सोमवारी शिवनी येथील सुनील झारिया नावाचा इसम आला। त्यांनी सांगितलं की तो अग्रसेन चौक येथे काही गाडीचे स्पेअर पार्ट घ्यायला आला होता। त्यावेळेस 3 मुलं मोकळ्यावर आले, त्यांनी त्याचा मोबाईल 10,000 रुपये किमतीचा आणि खिशातले 5,000 रुपये असे बडजबडीने काढून नेले, त्याला चाकूचा धाक दाखवले आणि तिथून पसार झाले। तो आल्यानंतर तक्रार घेतली, घटनास्थळाला भेट दिली, घटनास्थळाचे आजूबाजूचे फुटेज पाहिले, फुटेजवरून 3 मुलं मोकळ्यावरून जाताना दिसतात। नंतर आम्ही फॉलो केलं त्यांना, एक तांत्रिक विश्लेषण केलं आणि 3 मुलं मिळाले। त्यातला एक आहे अनवर अंसारी, हा मोहनपुराचा रेकॉर्ड आरोपी आहे। दुसरा आहे राजेश लक्ष्मीनारायण कुशवाहा, हा सुद्धा नरसिंगपूरचा एमपीतला आहे, रेकॉर्डचा आरोपी आहे आणि एक विधी संघर्ष संभालक। असे 3 मुलं आहेत, त्यांच्याकडनं ह्या गुन्ह्यातले 3,500 रुपये जप्त केले। तसेच खरेदीचा जो मोबाईल होता तो मोबाईल जप्त केला आणि त्यांच्याकडनं परत दुसरे आम्हाला 7 मोबाईल मिळाले। असा जवळपास 1,35,000 रुपयाचा मुद्देमाल मिळाला आहे। तहसील पोलीस स्टेशन येथील एक रॉबरीचा गुन्हा आणि मेमध्ये एक घरगुटीचा गुन्हा दाखल झाला होता, तो सुद्धा उघड झालेला आहे। अशा रीतीने 2 गुन्हे ओपन झालेले आहेत आणि हे 7 मोबाईल जे मिळाले ते पण कुठल्या गुन्ह्यातील ही चौकशी करणं बाकी आहे। अशा रीतीने 2 आरोपी मिळालेले आहेत आणि 1,35,000 रुपयाचा मुद्देमाल मिळाला आहे। सदर कारवाईसाठी आम्हाला माननीय पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार सर, माननीय श्रीमती जयंतश्री मॅडम, अश्विनी दोरे मॅडम, तसेच माननीय क्राईम सर श्री पाटील सर, संजय पाटील सर, तसेच आमचे नॉर्थ रिजनचे आमचे रिजन सर माननीय शेवाळे सर, DCP झोन 3 माननीय गौरव भांबे सर, तसेच ACP माननीय नरेंद्र गुडे साहेब, या सर्वांचं मार्गदर्शन लागलं आणि पोलीस स्टेशन तहसीलीतील 2 गुन्हे ओपन झाले। 2 आरोपी आमच्याकडे 3 दिवसापासून PCR येत ते आणि इतर 7 मोबाईल कुठले ही चौकशी करणार आहे। इन शातिर आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जहां चोरी के कई मामलों का इन पर से खुलासा हुआ है, वहीं पुलिस ने इस मामले में बड़ी सफलता भी हासिल की, पर कहीं ना कहीं मामले में नाबालिग किशोर के लिप्त होने से निराशा पुलिस के हाथों लगी है। देखा जाए तो वर्तमान में कई चोरियों के मामलों में किसी न किसी नाबालिग के शामिल होने का पता चलता है। चोरियों में लगातार बढ़ रही नाबालिगों की संख्या चिंता का विषय बन गई है। NBC News के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट।